हे गाइस, तो आज इस वीडियो पे बात करेंगे फॉरेक्स फंडिंग अकाउंट के बारे में, फंडेड अकाउंट के बारे में, जहां अपने आपने देखा होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोग आज 1 लाख डॉलर का, 50,000 डॉलर का वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपना एक डे चैलेंज वहाँ पे दे रहे हैं कि 30 डेज में वो कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके पास 1 लाख डॉलर है, उसके पास 50,000 डॉलर है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि 500 डॉलर की फीस के साथ उसे 1 लाख डॉलर का अकाउंट मिल जाता है, जिसे वो ट्रेडिंग कर रहा है और उस पर वो प्रॉफिट बना रहा है। तो इसे एक्चुअली में हम फंडेड अकाउंट बोलते हैं, जहां पे आज हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको ये जो फॉरेक्स फंडेड का अकाउंट है, क्या इसको आपको ट्राई करना चाहिए, बेसिकली क्या रिस्क बनता है, क्या प्रो एंड कौन से, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम के लिंक भी, उसे आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के कॉल्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ। साथ में अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रेंड देखने को मिला है फंडेड अकाउंट का, जहाँ पे अगर हम क्लियरली यहाँ पे बात करें तो एक फंडिंग कंपनी होती है, बहुत सारे है, माई फॉरेक्स फंड, अभी आपने एक देखा होगा कि स्कैम टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिला। इस तरह से बहुत सारे एक फंडिंग कंपनी होती है जो किसी दूसरे ब्रोकर से कनेक्टेड होती है, और ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है सिर्फ एक छोटे से फीस में, $50 के फीस में लगभग $5,000 का अकाउंट, $6,000 का अकाउंट आपको प्रोवाइड करती है, जहां पे ये आपको बताती है कि आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, आप हमसे फंड ले सकते हो, लेकिन इसके बदले में आपको एक छोटा सा फीस देना पड़ेगा, मे बी वो $50-$60 का फीस होगा, मतलब $50 से लेकर $500 तक का आपको एक फी देना पड़ता है, जिसमें आपको $5,000 से लेकर $1 लाख तक का एक फंडेड अकाउंट मिलता है, जिसको आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अपने स्किल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इसमें कई सारे आपको कंडीशन देखने को मिलते हैं, कई सारे ऐसे टर्म एंड कंडीशन हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, कई सारे ऐसे वायोलेशन हैं जिसको अगर आप वायोलेट करोगे तो आपका ये जो फीस होगा ये चला जाएगा, आपका फीस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके टर्म एंड कंडीशन को हम एक कंपनी के थ्रू यहां पर समझेंगे, माई फंडेड एफएक्स, जो कि एक फंडेड कंपनी है, जो कि फॉरेक्स फंडेड अकाउंट है, तो इसके थ्रू हम यहां पर समझेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी यहां पर ये फंडेड अकाउंट है, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम ही है, कुछ इधर उधर हो सकता है लेकिन सभी कुछ सेम ही है। तो पहले हम इसी के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो टर्म एंड कंडीशन क्या हो सकती है, और आपको अगर ये वायोलेट करती हो तो इसका क्या रिजल्ट आपके लिए हो सकता है। तो सबसे पहले हम टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप $50 $100 या आप $500 के साथ आप इसे शुरू कर सकते हो। जब आप यहाँ पर $500 के साथ शुरू करोगे तो आपको $1 लाख का आपको अकाउंट मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा रकम यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो पहला टर्म एंड कंडीशन आप देखोगे तो टेक द चैलेंज गेट वेरीफाइड, ये दूसरा है, इसके बाद गेट योर लाइव सिम अकाउंट, मतलब यहाँ पर ये है कि आपको दो बार पहले एक टेस्ट देना पड़ेगा, एक एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप $500 के साथ आप इस कंपनी के साथ यहाँ पर ज्वाइन करोगे, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक एजुकेशन के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको एक टैग द चैलेंज करना पड़ेगा, मतलब जो $1 लाख आपको अकाउंट मिलेंगे उसमें कंपनी की कुछ कंडीशन होगी जो आगे मैं आपको बताऊंगा। जब आप पहला चैलेंज को यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे तो फिर दूसरा आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, दूसरा आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। जब इस टेस्ट को आप यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे तब फिर आपको एक रियल लाइव अकाउंट आपको मिलेगी, जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग ऑलमोस्ट 80-20 की होती है, मतलब अगर आप उसमें प्रॉफिट बनाओगे तो 80% का प्रॉफिट आपको मिलेगा, 20% आपको यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा। तो अब हम ट्रेडिंग चैलेंज के बारे में बात करें, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी फंडेड अकाउंट है उन सब का जो चैलेंज है वो लगभग सेम जैसा ही है। अब यहाँ पे देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग चैलेंज आपको यहाँ पे पहला आपको ट्रेडिंग चैलेंज यहाँ पर लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 8% का प्रॉफिट यहाँ पर निकालना है, मतलब जो आपको $1 लाख का अकाउंट यहाँ पर मिल रहा है उसमें आपको 8% का प्रॉफिट आपको बनानी है। जो ट्रेडिंग पीरियड है वो अनलिमिटेड है, किसी तरह से आपको डेज का बाउंडेशन नहीं है। बहुत सारे फंडेड अकाउंट जो होते हैं उसमें डेज का भी बाउंडेशन है, वो आगे भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर कोई डेज नहीं है, आप कितना भी दिन में 8% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है।
मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1 डे का है, मतलब कम से कम एक दिन आपको ट्रेडिंग करना है, वो जाहिर सी बात है वो होगी। इसके बाद देखोगे तो मैक्सिमम इनिशियली अकाउंट बैलेंस लॉस, मतलब एक दिन का जो ड्रॉ डाउन होगा माइनस का, वो 8% का होना चाहिए। मतलब अगर 8% से ज़्यादा का लॉस कर देते हो आप, तो आपने जो आप $500 का अमाउंट दिया है वो यहाँ पर लैप्स हो जाएगा और $500 आप यहाँ पर हार जाओगे। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 8% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना है और एक दिन में 5% से ज़्यादा का लॉस आपको नहीं करना है। जब आप इस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लोगे तो इसके सेकेंड वेरिफिकेशन पे आ जाओगे, सेकेंड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट टारगेट आप देखोगे तो 5% आपको निकालना है। पहले वाले में 8% था, लेकिन दूसरे वाले में आपको 5% निकालना है। ट्रेडिंग पीरियड अगर बात करें तो अनलिमिटेड डेज आपको यहाँ पर मिलती है सभी फंडेड अकाउंट में अनलिमिटेड डेज आपको नहीं मिलता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1 डे तो वो तो होगा ही, मैक्सिमम एनी सेले अकाउंट बैलेंस लॉस 8% का, तो ये सेम है कि 8% से ज़्यादा लॉस दूसरा बार भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम डेली लॉस जो होगा वो 5% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो जब आप इन दोनों क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लोगे तब आप इसके तीसरे लाइफ अकाउंट में आ जाओगे और इसमें आने के बाद अब आपकी रियल ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी, जहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट 80% का है, मतलब जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसमें से 80% प्रॉफिट आप यहाँ पे रख सकते हो। ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड डेज का है, मिनिमम कैलेंडर डेज 14 डेज का है, जहाँ पर 14 दिन आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। मैक्सिमम इनिशियल अकाउंट बैलेंस लॉस 8% से ज़्यादा का लॉस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम डेली लॉस 5% का ही है, तो 5% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। बाकी आप प्रॉफिट जितना भी बना सकते हो, जितना आप प्रॉफिट यहाँ पर बनाओगे उसका 80% आप यहाँ पर ले सकते हो और 20% आपको ब्रोकर को यहाँ पर देनी पड़ेगी। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इस टोटल क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लोगे, थर्ड स्टेप पे आ जाओगे, प्रॉफिट यहाँ पे बना लोगे जिस हिसाब से इसने कंडीशन रखा है, तो आपने जो अमाउंट यहाँ पे डाला है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। मतलब जो $500 आपने यहाँ पे डाला है उसे आप यहाँ पर रिफंड भी ले सकते हो। अब अलग अलग फॉरेक्स फंडेड का जो अकाउंट होता है उसकी अलग अलग टर्म एंड कंडीशन भी होती है। कोई यहाँ पर डेज का चैलेंज देता है कि पहला जो आपका टेस्ट है वो 30 डेज या 45 डेज में आपको कंप्लीट करने हैं, दूसरा जो टेस्ट है वो 60 डेज में आपको कंप्लीट करना है, दूसरा जो एग्ज़ाम है, तीसरा जो यहाँ पर आपको लाइव अकाउंट दी जा रही है वो अनलिमिटेड डेज तक चल सकती है। तो अलग अलग जो भी फॉरेक्स फंडेड अकाउंट है उसका अलग अलग यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन हो सकता है। तो जब भी आप किसी भी फॉरेक्स फंडिंग अकाउंट को ओपन करोगे तो वो सारा टर्म एंड कंडीशन दिया होगा, तो उसे पहले अच्छे से आपको यहाँ पर रीड कर लेनी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आज काफ़ी टाइम के बाद ये निकल कर सामने आई है, कि फॉरेक्स फंडेड का ये जो अकाउंट है ये दो टाइप के होते हैं। माई फॉरेक्स फंड का यहाँ पे एक स्कैम हुआ है और एज ए टाइप स्कैम ही हुआ है। इस स्कैम से कई सारी चीज़ें का खुलासा हुआ है, फंडिंग अकाउंट का खुलासा हुआ है, तो इसमें कुछ नए बात मालूम चली है जो आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है अगर आप फंडेड अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो फंडेड अकाउंट टोटल दो तरह के हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे एक तरह का सिमुलेटेड फंड आपको देखने को मिलेगा, सिमुलेटेड अकाउंट आपको देखने को मिलेगा, दूसरा होता है रियल अकाउंट या रियल फंड। तो सिमुलेटेड अकाउंट के बारे में बात करें तो माई फॉरेक्स फंड, FTMO, इस तरह के बहुत सारे ऐसे फॉरेक्स फंडेड कंपनियाँ हैं जो कि एक सिमुलेटेड एक डेमो अकाउंट आपको प्रोवाइड करती है। इस डेमो अकाउंट का मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप को यहाँ पर कंप्लीट करते हो, जैसा कि अभी 3 स्टेप मैंने आपको दिखाए, तो जैसे ही फर्स्ट वेरिफिकेशन फर्स्ट चैलेंज आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, सेकेंड वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है, जो आप थर्ड स्टेप में यहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर बताया जाता है कि आपको एक लाइव अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा $1,00,000 का। लेकिन एक्चुअली में वो लाइव अकाउंट नहीं होता है, वो एक पेपर अकाउंट होता है, एक वर्चुअल अकाउंट होता है, जो कि जो रियल ट्रेडिंग होती है उससे बिल्कुल ही अलग होती है। तो सिमुलेटेड अकाउंट में अगर हम यहाँ पर बात करें तो 80% जो कंपनी होते हैं वो स्कैम होने की संभावना हो सकती है, 20% ऐसी कंपनी होती है जो कि हो सकता है कि सही हो। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि सिमुलेटेड अकाउंट में स्कैम होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। वही अगर रियल अकाउंट में हम बात करें, रियल फॉरेक्स फंडेड अकाउंट के बारे में बात करें,
तो इसमें स्कैम के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो आपको एक रियल अकाउंट ही यहाँ पे प्रोवाइड करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि उसके टर्म एंड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और उसके जो प्लान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसा कि आप सिमुलेटेड अकाउंट में अगर आप देखोगे तो $50 से आप $6,000 तक का भी फंड आप ले सकते हो, लेकिन रियल अकाउंट में अगर हम बात करें तो मे बी ये $500 से ही शुरू होती हो, और $500 में भी आपको $1,00,000 का नहीं बल्कि आपको $20,000-$30,000 का ही अकाउंट आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो मेरा मानना है कि अगर आप छोटे ट्रेडर हो और आप फंडेड अकाउंट में ट्राई करना चाहते हो तो फिर सिमुलेटेड अकाउंट ही बेटर है, जहाँ पर $50, $100 से भी आपको एक बड़ा अकाउंट मिल जाता है, जिससे कि आपका जो लर्निंग होगा वो यहाँ पे बूस्ट हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर या फिर कौन सी कंपनी सिमुलेटेड अकाउंट प्रोवाइड करती है, कौन सा रियल अकाउंट प्रोवाइड करती है, इसका सारा लिस्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ प्रो एंड कॉन्स के बारे में कि दोनों को अगर आप फॉरेक्स फंडेड में आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, क्या प्रो एंड कॉन्स यहाँ पर हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करें कि अगर आप फॉरेक्स फंड अकाउंट में ट्रेड करना चाहती हो तो इसके क्या प्रो एंड कॉन यहाँ पर हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो एडवांटेज है इसमें यहाँ पे कि आप अपने लर्निंग को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि जाहिर से बात है कि फॉरेक्स में $50-$100 पे ट्रेडिंग नहीं होती है। अगर आप $50-$100 में फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये एक टाइम पास ही होता है, कुछ टाइम के अंदर में आपका अमाउंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आप कुछ भी स्किल यहाँ पर नहीं सीख पाते। तो इसलिए यहाँ पे मैं समझता हूँ कि फॉरेक्स फंडेड अकाउंट काफ़ी बेटर हो सकता है, जो आपकी एबिलिटी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, आपके लर्निंग को यहाँ पे बूस्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आप चाहो तो $50-$100 का एक अकाउंट यहाँ पर ट्राई कर सकते हो कि आप उससे क्या यहाँ पर लर्निंग कर सकते हो, किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। डेली का ज़्यादा से ज़्यादा आप 0.5% का आपको रिस्क लेना है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप $100 से यहाँ पर ट्रेड करोगे तो 0.5% मतलब होता है 50 सेंट का, तो ये ट्रेडिंग के लिए आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकती। लेकिन इसी में $100 में आपको यहाँ पर $10,000 तक का अकाउंट आपको मिल जाता है, तो इसे जब आप ट्रेड करोगे तो आई थिंक कि यहाँ से एक आप लर्निंग सीख पाओगे कि किस तरह से यहाँ पर मनी मैनेजमेंट की जाती है, कितना आपको सेफ रखना है, आप कितना का डेली का लॉस ले सकते हो। ऊपर से प्लस आपको प्रेशराइज भी होती है कि अगर आप 10% का लॉस करोगे तो आपका अमाउंट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो ये प्रेशराइज भी आपको यहाँ पर एक स्किल देगी, एक लर्निंग देगी कि किस तरह से एक मनी मैनेजमेंट यहाँ पर की जाती है। दूसरा हम बात करें कि अगर आप इसमें सक्सेस हो गए तो आपके प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। सपोज करो कि अगर आपने एक दो अकाउंट यहाँ पर खो भी दिया, $100 से आपने ट्राई किया, लेकिन तीसरी बार अगर आप यहाँ पर सक्सेस हो गए तो आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो अच्छी, और आपकी लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा स्किल हो जाएगी। तो आपके लर्निंग के लिए और आपकी प्रॉफिट के लिए दोनों के लिए ये यहाँ पर बेटर हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कौन या डिसएडवांटेज के ऊपर यहाँ पर बात करें कि क्या डिसएडवांटेज है, तो मेरा मानना है कि अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो, आपने अभी जस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट ही किए, तो बिल्कुल फंडेड अकाउंट के साथ आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। पहले आपको सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहिए। आप एक नेस मल्टी बैंक किसी में भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। $50, $100, $200 जो आप अफोर्ड कर सकते हो उसके साथ आपको पहले कम अमाउंट के साथ सेल्फ ट्रेडिंग करना है। अगर आप इसमें सक्सेस होते हो, डेमो ट्रेडिंग सेल्फ ट्रेडिंग से सक्सेस होते हो, अगर लगता है कि आपके पास ज़्यादा फंड होता तो आप अच्छी प्रॉफिट बना सकते, तब फिर आप फंडेड अकाउंट को ट्राई कर सकते हो। दूसरा डिसएडवांटेज हम यहाँ पर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिमुलेटेड अकाउंट होते हैं, सिमुलेटेड फंड होता है आपका, डेमो फंड होता है, तो कंपनियाँ यहाँ पर ये नहीं चाहेगी कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाओ, इस कारण से वो यहाँ पर काफ़ी सारे मैनिपुलेशन कर सकती है, स्लिपेज को हाई कर सकती है और साथ में स्प्रेड को बढ़ा सकती है। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर मैनिपुलेशन चलता रहेगा, क्योंकि आपके हारने से ही इन कंपनियों का यहाँ पर घर चलता है। आप सिंपल ये समझो कि 90% ट्रेडर यहाँ पे लॉस करते हैं और उसी लॉस से ये लोग भी बेनिफिट बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़े से आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा, न्यूज़ के टाइम पे आपको हो सकता है स्प्रेड वगैरह ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये सब चीज़ यहाँ पर चलती रहेगी, तो ये इसका डिसएडवांटेज यहाँ पर हो सकता है। बाकी दोस्तों मैं अगर रियल में बात करूँ तो ये जो इन्वेंशन है, ये जो आपका
फंडिंग अकाउंट का ये जो सिस्टम है, फंडेड अकाउंट का जो सिस्टम है, ये मुझे वाकई में पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिसके पास बड़ा फंड नहीं होता, लेकिन वो बड़े फंड से ट्राई करना चाहते हैं डेली 1% का या फिर 0.5% रिस्क लेकर अपनी एक लर्निंग स्किल को बनाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है, पहला कि आपको एक प्रेशराइज है कि आप 10% से ज़्यादा लॉस नहीं करोगे ट्रेडिंग पे। ये प्रेशराइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रेशराइज नहीं रहेगी तो आप 10, 20, 30, 50 बहुत सारे नुकसान करते चले जाओगे। तो ये ज़रूरी है कि ये प्रेशराइज रहे कि 10% से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करना है, प्लस आपकी लर्निंग भी यहाँ पर बूस्ट होगी। तो फॉरेक्स फंडिंग अकाउंट के बारे में सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगी, लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जब आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो फंड चूज करने का ऑप्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्लिक करना है, MT4 में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड यहाँ पर सिलेक्ट की हुई होगी। इसके बाद आपको अपना नाम, एड्रेस, ईमेल वगैरह आपको डाल देना है। टर्म एंड कंडीशन है, इसे आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। इसके बाद देख सकते हो आप हमारे कोड को यहाँ पर यूज करोगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब $100 में $95 आपको पे करना है। कंप्लीट ऑर्डर पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद डिपॉजिट का ऑप्शन होगा, तो आप क्रिप्टो के थ्रू भी डिपॉजिट करके आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। तो सिंपल सा मेथड है, आपको अगर लगे कि फंडेड अकाउंट से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, आपकी लर्निंग बूस्ट हो सकती है, तो एक बार आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।